शुरू है ना। नमस्कार सभी को, और एक बड़ा अच्छा विषय लेके आए हैं, टॉपिक लेके आए हैं। जैसा कि मैं हिमालय पढ़ा रहा था आपको, तो हिमालय के भाग हम आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, वही वहीं से शुरू करेंगे। माउंटेन माउंटेन यानी पर्वत, और इसमें करेंगे टाइप्स ऑफ हिमालय, है ना, टाइप्स ऑफ हिमालय, टाइप्स ऑफ हिमालय, हिमालय के प्रकार, हिमालय के प्रकार। तो बच्चे, हिमालय के जो प्रकार होंगे वो पहला होगा ग्रेट हिमालय, महान हिमालय कहेंगे, मिडल हिमालय, मध्य हिमालय कहेंगे बच्चे, मध्य हिमालय, और तीसरा इसका पार्ट रहेगा शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो ये क्या रहेंगे, ये हमारे हिमालय के भाग रहेंगे, ठीक है ना, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक हिमालय। चलिए इनको हम एक एक करके लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम करेंगे ग्रेट हिमालय, ठीक है ना। तो पहले हम शुरू करेंगे यहां पे ग्रेट हिमालय। तो पहला पार्ट है बच्चे ग्रेट हिमालय, मतलब महान हिमालय, महान हिमालय। इस महान हिमालय में हम सारी चीजें करेंगे, ठीक है ना, कितनी हाइट पे है, क्या कुछ है, सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, कौन कौन सी चट्टाने पाई जाती हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, कौन कौन सी चोटियां हैं, कौन कौन सी ऊंची चोटियां रहेंगी, वो सारी की सारी हम इसके अंदर देखेंगे। ग्रेट हिमालय बेटा, इसको एक तो हिमाद्री कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसको क्या कहा जाएगा, हिमाद्री कहा जाएगा, हिमाद्री, हाईएस्ट एंड मेजर पार्ट ऑफ हिमालय, हाईएस्ट एंड मेजर पार्ट ऑफ हिमालय। बेटा यह हिमालय का सबसे उच्च और मुख्य भाग है, सबसे उच्च और मुख्य भाग है। यहां पे आप देख सकते हैं कि इसकी एवरेज हाइट कितनी है, एवरेज हाइट। तो इसकी एवरेज जो हाइट रहेगी वो 6000 मीटर रहेगी, एवरेज हाइट रहेगी 6000 मीटर। इट्स फुली कवर्ड बाय स्नो। बेटा यह पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ है, यह पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ है। यह क्या है, पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ है, फुली कवर्ड बाय स्नो, पूर्णतः बर्फ से ढका है। हाईएस्ट एंड मेजर पार्ट ऑफ हिमालय, यह सबसे ऊंचा और मुख्य भाग है।
पूर्णतः बर्फ से ढका है, 6000 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है बच्चे, इट्स फुली कवर्ड बाय स्नो, यह पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ है। कौन कौन सी इसमें रॉक्स पाए जाएंगे, अगर हम रॉक्स की बात करें, और रॉक्स फाउंड इन हिमालय, तो इसमें कौन कौन सी चट्टाने पाई जाती हैं ग्रेट हिमालय में, तो एक तो नीस की चट्टान पाई जाती है, ठीक, नीस चट्टान पाई जाती है, इसके अंदर ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट रॉक्स, नीस रॉक्स, बेटा नीस की चट्टान है ना, नीस की चट्टान पाई जाएगी, ग्रेनाइट पाया जाएगा इसके अंदर। तो कौन कौन सी यहां पे नदियां निकलेंगी बच्चे, तो यहां से कौन कौन सी रिवर हमारी निकलती हैं, वो चीज हम देखेंगे इसके अंदर। तो ग्रेट हिमालय से हमारी कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, ग्रेट हिमालय से नदियां निकलती हैं गंगा, शारदा, ठीक है ना, गंगा और शारदा नदियां हमारी ग्रेट हिमालय से निकलती हैं, ठीक, गंगा और शारदा, गंगा और शारदा कहां से निकलती है, गंगा एंड शारदा जो ओरिजिन होता है वो ग्रेट हिमालय होता है, इनका ओरिजिन महान हिमालय होता है। बेटा क्या फॉसिल्स पाए जाते हैं ग्रेट हिमालय पे, क्या ग्रेट हिमालय पे फॉसिल्स पाए जाएंगे, तो ग्रेट हिमालय पे फॉसिल्स नहीं पाए जाते, फॉसिल्स आर नॉट फाउंड ऑफ ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय पे जीवाश्म नहीं पाए जाते बेटा, जीवाश्म नहीं पाए जाते, जीवाश्म क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि यहां पे वोल्केनिज्म स्टार्ट हुए थे, ज्वालामुखी प्रक्रिया ड्यू टू वोल्केनिज्म, ज्वालामुखी प्रक्रिया हुई थी ना ग्रेट हिमालय में, इसी के कारण यहां पे जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो यह ध्यान रखेंगे ग्रेट हिमालय में जीवाश्म नहीं पाए जाते, ठीक है। और ग्रेट हिमालय की हाईएस्ट पिक जान लें बेटा, ग्रेट हिमालय की हाईएस्ट पिक कौन सी होगी, हाईएस्ट पिक ऑफ ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी बेटा, सबसे ऊंची चोटी ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी रहेगी वो कौन सी रहेगी, वो रहेगी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट लोकेटेड इन नेपाल, बेटा नेपाल में है, नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट इतनी ज्यादा हाइट पे है, इसकी जो हाइट है 8848 मीटर है बेटा, तो इतनी ज्यादा ऊंचाई पे है कि इसको थर्ड पोल ऑफ द अर्थ कहा गया है, इसको क्या कहा गया, थर्ड पोल ऑफ द अर्थ कहा गया है इसको। एक तो ज्यादा ऊंचाई पे है, और बेटा फुली क्या है, फुली कवर्ड बाय स्नो, बर्फ से ढकी रहती है, आपको पता ही है नॉर्थ पोल और साउथ पोल बिल्कुल फ्रीजिंग जोन होते हैं, वहां पे बिल्कुल बर्फ ढका रहता है। तो इसकी चोटी है जो यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है
ग्रेट हिमालय की भी चोटी है और यह है हाईएस्ट पिक ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, माउंट एवरेस्ट लोकेटेड इन नेपाल, नेपाल में स्थित है, 8848 मीटर की इसकी हाइट है। इसको थर्ड पोल ऑफ द अर्थ कहा जाता है, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है बेटा, इसको पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का तीसरा ध्रुव हम इसको कहते हैं। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में ही दो तीन चीजें और कर ले बेटा। माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट जैसा मैंने बताया नेपाल में है, इसको कह सकते हैं हाईएस्ट पिक ऑफ द वर्ल्ड। बेटा इसको संसार की सबसे ऊंची चोटी कह सकते हैं हम, संसार की सबसे ऊंची चोटी, संसार की सबसे ऊंची चोटी कह सकते हैं। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। बेटा थर्ड पोल ऑफ द अर्थ बताया मैंने इसको, ठीक है ना। इसका जो नेपाली नेम है ना बेटा, नेपाली नेम है इसका माउंट एवरेस्ट का, उसका नाम है सागरमाथा, सागरमाथा। इसका सागरमाथा क्या है? नेपाली नाम है, नेपाली नाम। एक और नाम है बच्चे इसका, चाइनीज नेम भी है, चाइनीज नेम भी है बेटा इसका माउंट एवरेस्ट का, जिसका नाम है चोमोलुंगमा। तो चोमोलुंगमा भी क्या है इसका? चाइनीज नेम रहेगा बेटा। तो ये हो गया माउंट एवरेस्ट के बारे में, थर्ड पोल ऑफ द अर्थ इसको कहा गया है, नेपाल के अंदर यह स्थित है। अब बच्चे देख लेते हैं ग्रेट हिमालय की जो चोटियां होती हैं उसके बारे में हम करेंगे कि ग्रेट हिमालय में कौन कौन सी चोटियां रहेंगी। बच्चे पिक ऑफ ग्रेट हिमालयाज, ग्रेट हिमालय में कौन कौन सी चोटियां रहेंगी। अच्छा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बेटा कई बार कि पश्चिम की तरफ से दूसरी श्रृंखला बताइए, दूसरी चोटी बताइए, या पूर्व की तरफ से दूसरी चोटी बताइए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम वो क्वेश्चन देखेंगे बेटा, कौन कौन से वो क्वेश्चन होंगे। हम करेंगे इनकी पिक, पिक ऑफ, पिक ऑफ ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय की चोटियां, महान हिमालय की चोटियां। महान हिमालय की चोटियां, महान हिमालय की चोटियां। तो हम करेंगे बेटा इस साइड से कर लेंगे, वेस्ट की तरफ से कर लेंगे, और ईस्ट की तरफ से महान हिमालय की जो चोटियां होंगी वो एक एक करके हम लिखेंगे। तो हम चलेंगे ईस्ट की तरफ से, यानी पूर्व से चलेंगे, और कहां पे चलेंगे? पश्चिम की तरफ हम बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की तरफ हम चलेंगे। ये वाली जो चोटी रहेगी, ठीक, ग्रेट हिमालय की ये वाली चोटी रहेगी, इसका नाम जो रहेगा नामचा बरुआ,
नामचा बरुआ बेटा अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ। इसके बाद नामचा बरुआ के बाद चलेंगे कंचनजंगा। नामचा बरुआ के बाद कंचनजंगा, कंचनजंगा ठीक है ना, ये हो गई कंचनजंगा। कंचनजंगा हो गया सिक्किम में, उसके बाद मेकालू, उसके बाद ये चोटी हो गई मेकालू, ये हो गई बेटा नेपाल में एनफोर नेपाल। ये वाले जो पिक होगी ग्रेट हिमालय की, ये होगी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट बेटा ये भी नेपाल में है, 1848 में बता चुका हूं ठीक है ना। उसके बाद जो होगी मनशालू, ये वाले जो चोटी होगी ये मनशालू होगी, मनशालू मनशालू भी जो रहेगी वो नेपाल में रहेगी। उसके बाद जो चोटी रहेगी ग्रेट हिमालय की वो अन्नापूर्णा रहेगी, अन्नापूर्णा अन्नापूर्णा ये भी नेपाल में रहेगी। उसके बाद धौलागिरी रहेगी बेटा, धौलागिरी 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 भी नेपाल में रहेगी, अन्नपूर्णा धौलागिरी। उसके बाद नंदा देवी रहेगी, ये वाली है नंदा देवी, नंदा देवी जो नंदा देवी रहेगी वो उत्तराखंड में रहेगी बच्चे ठीक। उसके बाद जो चोटी रहेगी यहां पे, ये जो चोटी रहेगी बद्रीनाथ, बद्रीनाथ बद्रीनाथ रहेगी। और उसके बाद इस साइड में बेटा यहां पे स्पेस नहीं है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ठीक है ना, यहां पे जगह नहीं है तो बच्चे मैं यहां पे लिख रहा हूं ठीक है, ध्यान रखेंगे। बद्रीनाथ के बाद कौन सी हो जाएगी, बद्रीनाथ के बाद हो जाएगी केदारनाथ, केदारनाथ केदारनाथ के बाद कौन सी हो जाएगी बेटा, ये भी उत्तराखंड में, और केदारनाथ के बाद हो जाएगी नंगा पर्वत, नंगा पर्वत जम्मू एंड कश्मीर में। तो बेटा ये तो हो गया सबसे कौन सा पार्ट, ग्रेट हिमालय का पश्चिमी भाग, और ये हो गया सबसे पूर्वी भाग। तो मेरे बच्चे वो इस प्रकार से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रेट हिमालय की
पूर्व से चलेंगे पश्चिम की तरफ, तीसरी सबसे मुख्य चोटी बताइए, इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकते हैं मेरे बच्चे। उधर पूर्व से चलेंगे तो तीसरी चोटी कौन सी होगी, ये इस प्रकार से हमारा पूछ सकता है। देखिए पहली दूसरी और तीसरी मेकालू हो गई और चौथी नंबर चार वाली ग्रेट हिमालय पे क्या हो गई, माउंट एवरेस्ट हो गई। इस प्रकार से वो इधर से पूछ सकता है कि पश्चिम से जब हम पूर्व की तरफ चलेंगे तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी। तो दूसरी सबसे ऊंची पूछ रहा है बेटा, यहाँ पे पहली क्या हो गई, यहाँ पे नंगा पर्वत हो गए, ठीक है ना, नंगा पर्वत, और फिर उधर चलेंगे तो केदारनाथ हो गई। तो इसी प्रकार से हम ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे, इसको याद जरूर रखें बेटा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या दिखा दिया कि कौन सी कहाँ पे रहेगी, नेपाल में, यहाँ पे स्टेट भी हमने साथ साथ में कर लिया है। तो ये हो गई हमारी ग्रेट हिमालय की मुख्य चोटियां। चलो और बेटा याद करना ही होगा अच्छे कंपटीशन में, जैसे सीधा सीधे क्वेश्चन यहां से हमारे बन जाते हैं केवीएस में या कोई भी टीचिंग एग्जाम में होगा, तो टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी ये क्लास हमारी। पहले भी बहुत सारे एग्जाम हैं जिनमें सीक्वेंस क्रम पूछा जाता है या ग्रासलैंड पूछे जाते हैं, तो हमारे टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है ये हमारी। और बिल्कुल इसको सीरीज में ही याद कर लें आप लोग। सेकंड जो रहेगा मिडल हिमालय, मिडल हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय कहां पे है, साउथ एंड पैरेलल है बच्चे। मध्य हिमालय कहां पे है तो आप कहेंगे साउथ एंड पैरेलल ऑफ ग्रेट हिमालय, यह महान हिमालय के दक्षिण में और समानांतर है, यह महान हिमालय के, यह महान हिमालय के दक्षिण में है, दक्षिण में और समानांतर है, और समानांतर है, समानांतर का मतलब समझ रहे हो ना, उसके समान समान है। याचिक उसकी फ्लैप खोल दो। महान हिमालय के दक्षिण में और समानांतर है, उसका मतलब समझ रहे हो कि वो बिल्कुल ऐसे पैरेलल है, इस प्रकार से समझ लो। ये ग्रेट हिमालय हो गया तो यहां पे क्या हो गया, बिल्कुल इसके पैरेलल है, ठीक है, और समानांतर है, महान हिमालय के दक्षिण में और समानांतर है। अगर हम इसको जाने अच्छे से, इसके बीच में से देखो, ये ग्रेट हिमालय हो गया, ये मिडल हिमालय हो गया, ठीक है ना, ग्रेट हिमालय हो गया, ये मिडल हिमालय हो गया, मैं लिख देता हूं ग्रेट हिमालय, और ये क्या हो गया, ये मिडल हिमालय। बेटा इनको डिवाइड करने के लिए कुछ फॉल्ट पाए जाते हैं, दरार पाई जाती हैं, तो इनके बीच में क्या है, ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय को बांटा जाता है किस चीज के द्वारा, यहां पे मेन सेंट्रल थ्रस्ट पाया जाता है इनके बीच में, इनको डिवाइड करने का काम, ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय को डिवाइड करने का काम कौन करता है, इनको डिवाइड करने का काम करते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय दरार। तो बेटा महान हिमालय और मध्य हिमालय को बीच में से बांटने का काम कौन करता है, महान हिमालय और मिडल हिमालय को बीच में से बांटने का काम करता है
मुख्य केंद्रीय दरार जो कि ग्रेट हिमालय मिडल हिमालय को बांटती है। अच्छा, इसके बीच में यानी ग्रेट हिमालय के बीच में बेटा ये है, मान लीजिएगा ये ग्रेट हिमालय है, ठीक, ये ग्रेट हिमालय है और ये क्या है, ये मिडल हिमालय है। इनके बीच में एक तो वैली पाई जाती है बेटा, इनके बीच में वैली पाई जाती है, ये ग्रेट हिमालय है, ये क्या है, मिडल हिमालय है, मिडल हिमालय। बेटा एक तो इन पे ग्रासलैंड पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं मिडल हिमालय पे। बेटा ये हाइट ज्यादा है महान हिमालय की, और अगर महान हिमालय की हाइट ज्यादा है तो बेटा इस पे कवर्ड, फुली कवर्ड बाय, सुनो, बर्फ से ढका होगा, और बर्फ से ढका हुआ होगा तो वेजिटेशन नहीं हो पाएगी। तो यहां के ग्रासलैंड नहीं होते अमूमन ग्रेट हिमालय पे, लेकिन मिडल हिमालय पे ग्रासलैंड पाए जाते हैं। ग्रासलैंड के नाम पूछ लेगा वो, तो इन ग्रासलैंड के मैदान भी पूछता है कौन कौन से घास के मैदान है, और ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय के बीच में जो हिल स्टेशन रहेंगे बेटा वो भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा कि यहां पे क्या पूछ लेगा वो, ग्रासलैंड पूछ लेगा, और यहां पे क्या पूछ लेगा वो, ग्रासलैंड के अतिरिक्त हिल स्टेशन पूछ लेगा। तो हिल स्टेशन और ग्रासलैंड भी जानेंगे, और यहां के बीच में वैली कौन सी है बेटा, घाटी कौन सी है, घाटी पूछ लेगा वो कौन कौन सी है। तो ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय के बीच में कौन कौन सी घाटी है, कौन कौन सी घाटी है, तो यहां पे कौन कौन सी घाटी रहेगी, कश्मीर वैली। ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी रहेगी बेटा, कश्मीर घाटी, और एक कुल्लू घाटी रहेगी, एक क्या रहेगी, कुल्लू घाटी रहेगी, कुल्लू वैली। कुल्लू घाटी रहेंगी, तो ये तो दोनों के बीच में क्या रहेगी बेटा, घाटियां रहेंगी। इसके अलावा क्या होगा बेटा, यहां पे मैंने लिखा है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, यहां पे ग्रासलैंड लिखा है मैंने, यहां पे ग्रासलैंड लिखा है, हिल स्टेशन लिखा है, और वैली लिखा है, घाटी लिखा है, ठीक है ना। तो ये चीज आप थोड़ा सा देख लें, और यहां पे ये पट्टी चल रही है, नहीं दिख रहा होगा आपको, ग्रासलैंड, हिल स्टेशन और वैली लिखा है यहां पे, ठीक है। तो ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय के बीच बीच में कश्मीर घाटी है और कुल्लू घाटी रहेगी बच्चे। अब मैंने कहा हिल स्टेशन और ग्रासलैंड है, ये तीनों चीजें करेंगे। ग्रासलैंड कौन से हैं, वैलीज मैंने बता दी है बेटा इनके बीच में, और इनको बांटने का काम एमसीटी बोलते हैं शॉर्ट में, मेन सेंट्रल थ्रस्ट को। तो ग्रेट हिमालय और महान हिमालय, यानी महान हिमालय और मध्य हिमालय को कौन बांटती है, तो मुख्य केंद्रीय दरार बांटती है। तो अब हम करेंगे ग्रासलैंड बेटा, मिडल हिमालय हम कर रहे हैं, मिडल हिमालय के ग्रासलैंड, मिडल हिमालय के ग्रासलैंड। मिडल हिमालय के घास के मैदान, बेटा मिडल हिमालय के जो घास के मैदान होंगे उसको मर्ग कहा जाएगा बेटा, मर्ग। जो मर्ग घास के मैदान हैं वो कहां पे पाए जाएंगे, वो मिडल हिमालय, मिडल हिमालय पे पाए जाएंगे। और मिडल हिमालय पे भी जम्मू एंड कश्मीर में, इसका मतलब जम्मू एंड कश्मीर में क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर में हमारा मध्य हिमालय
होगा, और इसकी अभी मैं चोटियां करा देता हूं, तो आपको चोटियां भी पता चल जाएंगे कि कौन कौन सी चोटियां इसकी रहेंगी, ठीक है ना। तो देखो कौन कौन सी चोटियां रहेंगी बेटा, किसकी बात कर रहे हैं, मिडल हिमालय की बात कर रहे हैं। ये पहाड़ी है, नाम है पीर पंजाल। बेटा पीर पंजाल जो पहाड़ी रहेगी वो जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में रहेगी। तो जो ग्रासलैंड मैं आपको करा रहा हूं ना बच्चे, जो ग्रासलैंड मैं आपको करा रहा हूं, मान लो ये माउंटेन है, कौन सा, मिडल हिमालय है, ये पीर पंजाल है जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल में, तो इसके ऊपर जो ग्रासलैंड पाया जाएगा तो वो पाया जाएगा, उसका नाम क्या होगा, मर्ग घास का मैदान। तो बेटा पीर पंजाल क्या बताया मैंने, पीर पंजाल आपको मिडल हिमालय बताया, मिडल हिमालय की हाईएस्ट पिक पिक बताई मैंने, जो सीक्वेंस में बताई थी ना, ग्रेट हिमालय में भी इधर से बताई थी, नामचा बरवा हो गई, कंचनजंगा हो गई, वो सारी की सारी। इसी प्रकार ये पीर पंजाल क्या हो गई, मिडल हिमालय की हो गई। पीर पंजाल के बाद हम देखेंगे धौलाधर, धौलाधर बेटा ग्रेट हिमालय में मैंने धौलागिरी लिखवाया था, ध्यान रखेंगे, यहां पे क्या लिखवाया है, यहां पे धौलाधर लिखवाया है, ये आप ध्यान रखेंगे। और कहां पे है ये, हमारा है हिमाचल प्रदेश वाला पार्ट, धौलाधर हिमाचल प्रदेश वाला पार्ट, और थोड़ा सा उत्तराखंड के अंदर है धौलाधर। उसके बाद एक चोटी आएगी उत्तराखंड में ही, नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, नाग टिब्बा बेटा मंसूरी हिल स्टेशन है जो, वो नाग टिब्बा के ऊपर ही है, नाग टिब्बा की पहाड़ी के ऊपर है। और फिर यहां पे चली जाएगी ये नेपाल के अंदर, और नेपाल में मिडल हिमालय को कहा जाएगा मां भारत, मां भारत हिल। महाभारत की चोटी कहा जाएगा। तो बेटा ये जो होगा ये हमारा मिडल हिमालय है, और ग्रासलैंड मर्ग हो गया बेटा, ठीक है ना, ग्रासलैंड मर्ग हो गया। और एक ग्रासलैंड और करा देता हूं आपको मिडल हिमालय का, एक ग्रासलैंड और करा देते हैं मिडल हिमालय पे, ये वाला जो ग्रासलैंड होगा इसका नाम होगा बुग्याल, इसका नाम होगा बुग्याल, बुग्याल ग्रासलैंड। बुग्याल घास का मैदान। तो बेटा बुग्याल घास का मैदान जो रहेगा वो उत्तराखंड में रहेगा, कहां पे रहेगा मेरे बच्चे, उत्तराखंड में रहेगा। तो पहले जो मैंने कराया था वो ग्रेट हिमालय हो गया, ये हमारा मिडल हिमालय हो गया। मिडल हिमालय के हिल स्टेशन हम थोड़ा सा अलग से लिख लेंगे कि मिडल हिमालय के हिल स्टेशन कौन कौन से रहेंगे बेटा, मिडल हिमालय के हिल स्टेशन। ग्रासलैंड मर्ग जम्मू एंड कश्मीर में कहां पे रहेगा, मध्य हिमालय पे रहेगा। और बेटा इधर जो धौलाधर की पहाड़ी है उसके ऊपर बुग्याल रहेगा, बुग्याल घास का मैदान उत्तराखंड में रहेगा। तो ये घास के मैदान जो रहेंगे बेटा ये रहेंगे मिडल हिमालय के ऊपर। और इसकी पिक लिखवा चुका हूं मैं, पिक ऑफ मिडल हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत। नाग टिब्बा उत्तराखंड में है बच्चे, देखो धौलाधर की पहाड़ियों से जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहां पे शिमला है, ठीक है ना, बिल्कुल इन पहाड़ियों के ऊपर शिमला है। पीर पंजाल को जब क्रॉस करके जाएंगे तो हमारा समझ लीजिएगा कश्मीर या जम्मू चले जाते हैं, जहां पे माता कटरा है यानी वैष्णो देवी है, यहां से ऊपर जाएंगे तो इससे ऊपर वैष्णो देवी, पीर पंजाल से ऊपर
धौलाधर से ऊपर जाएंगे तो बेटा यहीं पे शिमला हो जाएगा, नाग टिब्बा जाएंगे यहाँ पे मसूरी की पहाड़ियां हो गई, ठीक है ना, और ये नेपाल में है महाभारत की पहाड़ियां। अब मैंने कहा कि हिल स्टेशन हम कर लेंगे, तो हिल स्टेशन देखो मिडल हिमालय के हिल स्टेशन कौन कौन से होंगे। हिल स्टेशन पर्यटक स्थल बेटा, जैसे क्या हो गया, चकराता हो गया, नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, शिमला हो गया, रानीखेत हो गया, ठीक है ना, नैनीताल, मसूरी, शिमला, रानीखेत, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में पड़ता है लेकिन इसी रीजन में आ जाता है, ठीक है। तो ये जितने भी होंगे ये सारे के सारे हिल स्टेशन होंगे इनके बीच के, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मिडल हिमालय हो गया हमारा। तो हमने क्या कर लिया, हमने ग्रेट हिमालय कर लिया, मिडल हिमालय कर लिया, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं शिवालिक हिमालय पे। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो बेटा इसको कहेंगे आउटर पार्ट ऑफ हिमालय, आउटर पार्ट ऑफ हिमालय। यह हिमालय का उच्च भाग है, सॉरी बाह्य भाग है, यह हिमालय का बाह्य भाग है, साउथ एंड पैरेलल टू ग्रेट मिडल हिमालय, साउथ एंड पैरेलल टू मिडल हिमालय, यह दक्षिण में और समानांतर है मध्य हिमालय के, यानी शिवालिक हिमालय कहां पे है, शिवालिक हिमालय दक्षिण और समानांतर है, दक्षिण और समानांतर है मध्य हिमालय के, यह दक्षिण और समानांतर है, ठीक है। यानी सीधा सा जान लो बेटा ग्रेट हिमालय, ठीक, उसके बाद यहां पे मिडल हिमालय और यहां पे शिवालिक हिमालय, ये वाला पार्ट जो हो गया ये शिवालिक हिमालय हो गया, ये ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, ये मिडल हिमालय, मध्य हिमालय, ये शिवालिक हिमालय, ठीक है ना। ये तीन पार्ट हो गए बच्चे, ये बाह्य भाग है दक्षिण और समानांतर है मध्य हिमालय के। बेटा एक बात और ध्यान रखेंगे, जो शिवालिक है ना, ये जो है शिवालिक, ये लार्जेस्ट पार्ट है, ये यंगेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, ये क्या है, यंगेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय। वैसे तो हिमालय ही सबसे युवा है, लेकिन हिमालय में भी जो क्या रहेगा, आपका शिवालिक रहेगा वो युवा रहेगा, यानी आप यूं कह लीजिए ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक में से सबसे यंग जो रहेगा वो शिवालिक की पहाड़ियां रहेंगी। बेटा क्यों रहेंगी, कारण समझो, एक और क्वेश्चन बता देता हूं पहले, इससे पहले, यंगेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय,
लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय। बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सुन ले। यंगेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो आपको फंसा देते हैं एग्जाम में, यही क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल फंसा देते हैं। यहां पे यंगेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय लिखा है मेरे बच्चे, यहां पे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय लिखा है, तो यंगेस्ट पार्ट भी क्या होगा, शिवालिक होगा, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक से, और लार्जेस्ट पार्ट भी क्या होगा आपका, शिवालिक होगा, पूरे के पूरे हिमालय में या ग्रेट हिमालय मिडल हिमालय में से, तो आपका सबसे बड़ा यहां पे सबसे बड़ा रहेगा और यहां पे सबसे युवा पहाड़ी रहेगी, कौन सी, दोनों का राइट आंसर मैंने बताया आपका शिवालिक हिमालय, शिवालिक, शिवालिक क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब क्यों है बेटा, इस चीज का कारण समझिएगा आप, इस चीज का कारण समझिए। मान लीजिएगा बेटा ये माउंटेन है, ग्रेट हिमालय ही है, और यहां पे स्नोफॉल हुआ, ठीक है, स्नोफॉल हुआ। अब ये स्नोफॉल हो गया तो ये स्नोफॉल क्या करेगा, ये सोलर रेडिएशन के कारण सन रेज आएगी इस पे, और जब सन रेज आएगी तो ये आइस क्या होना शुरू हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और बेटा जब ये मेल्ट होगा ना, जब ये मेल्ट होगा तो इसके साथ साथ क्या चलेगा, इसके साथ साथ नीचे पानी चलेगा, जिसको फॉर्मेशन ऑफ रिवर बोलेंगे आप लोग, क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ रिवर बोलेंगे, नीचे जो पानी चलेगा उसको फॉर्मेशन ऑफ रिवर कह देंगे। ये पानी चला बेटा ऊपर से मेल्ट होके आइस, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा बेटा, सेडिमेंट आ जाएंगे, सेडिमेंट, सेडिमेंट को अवसाद बोलते हैं, अवसाद, ठीक है ना, कंकर पत्थर गाद गारा बालू चिकनाई जूता चप्पल सब कुछ जो नदी में चले उसको क्या कहेंगे, सेडिमेंट कहेंगे, ठीक। तो ऊपर से रिवर आएगी, नदियों के साथ अवसाद भी आएंगे, अवसाद कंकर पत्थर गार गारा बालू जो भी है वो सारे के सारे कंकर पत्थर के कण सेडिमेंट कहेंगे, और ये क्या आ जाएगी ऊपर से रिवर आ जाएगी बेटा। तो अब इतने सारे सेडिमेंट बेटा, रनिंग वाटर जो होगा ना माउंटेन के ऊपर जो रिवर फॉर्मेशन में चलेगा वो अपने साथ सेडिमेंट डिपोजिशन करेगा, और जब वो जाएगा तो इतने ज्यादा सेडिमेंट आएंगे कि जो प्लेन्स होगा ना, मैदान होगा, उस मैदानों में वो सेडिमेंट के ढेर लगा देगा ऐसे करके। ये प्राइमरी प्रक्रिया है बिल्कुल, कैम्ब्रियन एरा में ऐसा हुआ था कि जब माउंटेन बना था ना बेटा, यहां पे कन्वर्जेंट बाउंड्री में दो प्लेटें आई ऐसे टकराई, ऊपर यूरेशियन प्लेट थी, नदरन साइड में आप इतना ध्यान रखें, उत्तर की तरफ क्या थी बेटा, यूरोपियन प्लेट थी, और नीचे की तरफ से शिफ्ट होके चली गई थी कौन सी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इज द पार्ट ऑफ अफ्रीकन प्लेट, है ना, बहुत पहले अफ्रीकन प्लेट से हमारा इंडिया था वो स्प्लिट होके गया था और वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पे शिफ्ट हुआ था। देन क्या हुआ, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नदरन वर्ड शिफ्ट होना शुरू हो गई बेटा, और ऊपर यूरोपियन प्लेट थी और नीचे कौन सी प्लेट थी, नीचे हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, तो दोनों की दोनों ऐसे हुई, और ऐसे का मतलब क्या हो गया, कन्वर्जेंट बाउंड्री ऑफ डायरेक्शन ऑफ एनी प्लेट, प्लेटों की जो डायरेक्शन थी वो क्या थी हमारी, कन्वर्जेंट बाउंड्री थी इस प्रकार, और बीच में क्या था बेटा, एक समुद्र था जिसको हमने टैथिस सागर कहा। तो हिमालय तो सेडिमेंट से बन गया टैथिस सागर से, और ग्रेट हिमालय मैंने बतलाया हिमालय बन गया किससे, टैथिस सागर के अवसाद से, और जो आपका ट्रांस हिमालय है वो बन गया यूरेशियन प्लेट से। ध्यान से सुन लो मैंने क्या कहा, कभी भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा इससे हम भटक गए हैं लेकिन हमारा काम यहां तक था, लेकिन फिर भी आप सुन लीजिएगा, ट्रांस हिमालय इज द, ट्रांस हिमालय नॉट द पार्ट ऑफ हिमालय, मैंने कहा ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, ट्रांस हिमालय नॉट द पार्ट ऑफ हिमालय क्यों भाग नहीं है, क्योंकि वो टोटली किससे बना है, यूरेशियन प्लेट से बना है, और हिमालय आपका किससे बना है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से और टैथिस सागर के सेडिमेंट से बना है, ठीक है ना। तो यहां पे हमने, यहां पे हम देख रहे हैं कि ग्रेट हिमालय बना, स्नोफॉल हुआ, स्नो मेल्ट हुआ, रिवर फॉर्मेशन आउट हुआ, सेडिमेंट डिपोजिशन होना शुरू हो गए, नीचे जाना शुरू हो गए रनिंग वाटर के साथ साथ, और बेटा ये प्लेन्स में क्या हो गए, डिपोजिशन हो गई ये सेडिमेंट। तो ये जो सेडिमेंट डिपोजिशन हुआ ना बेटा,
due to sediment deposition, Shivalik Himalaya formed. बेटा ये अवसादों के जमने से शिवालिक हिमालय बना है. तो देखो पहले तो हिमालय ही बना ना, ग्रेट हिमालय बना. उसके बाद क्या हुआ, स्नोफॉल हुआ, स्नोफॉल पिघला, सूर्य की गर्मी के कारण नदी चलना शुरू हो गई, रिवर फॉर्मेशन आउट हो गया. इसके साथ साथ सेडिमेंट चले और बेटा ड्यू टू सेडिमेंट डिपोजिशन शिवालिक हिमालय फॉर्म्ड. और यहाँ पे क्या हो गया कि इन अवसादों के जमने से शिवालिक हिमालय का निर्माण हो गया. इतना सा समझाया मैंने. अब सीधी बात यह है बेटा कि ये जो शिवालिक हिमालय है इसका फॉर्मेशन तो बाद में हुआ ना, तो बाद में हुआ तो इसलिए बेटा यंगेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, युवा पर्वत है, यंग पार्ट ऑफ हिमालय. और ये ग्रेट हिमालय ये पुराना है. पुराना का मतलब इन द सेंस ये नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में पुराना. मैं ये कह रहा हूँ कि पहली तो बात हिमालय ही एक युवा पर्वत है और हिमालय के युवा पर्वतों में से ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक हिमालय उसके तीन भाग हैं. उन तीन भागों में से सबसे युवा जो रहेगा वो आपका शिवालिक रहेगा और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय रहेगा वो शिवालिक रहेगा. अब लार्जेस्ट क्यों रहेगा बेटा, देखो ऐसा तो नहीं है पानी एक ही साइड में गया होगा, पानी तो इधर भी आया होगा नदी का, तो इधर भी तो सेडिमेंट डिपोजिशन हुए होंगे, इधर भी तो यहाँ पे भी तो बेटा सेडिमेंट डिपोजिशन हुए होंगे, यहाँ पे भी तो क्या बने होंगे, अवसाद बने होंगे. ठीक है ना, यहाँ पे भी अवसाद बने होंगे, यहाँ पे भी अवसाद का जमाव हुआ होगा, तो यहाँ पे भी शिवालिक होगा. तो बेटा यहाँ पे भी शिवालिक हिमालय होगा ना, उधर भी यानी इस माउंटेन के उधर भी जाके क्या रहा होगा, उधर भी जाके सेडिमेंट डिपोजिशन हुए होंगे, तो वहां पे भी जाके क्या बना होगा, वहां पे भी शिवालिक बना होगा. इस साइड में भी पानी आया होगा, इस साइड में भी सेडिमेंट आए होंगे इस प्रकार करके, तो यहां नीचे भी क्या बना होगा आपका, नीचे भी बना होगा शिवालिक. तो शिवालिक इसीलिए एक माउंटेन के चारों तरफ है, हिमालय के चारों तरफ है, इसीलिए उसका नाम क्या हो गया, इसीलिए उसको मैंने क्या लिखा यहां पे, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, क्योंकि लार्जेस्ट उधर भी है, इधर भी है, इधर भी है. हम क्यों नहीं जान पाते, हम इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि हम तो रीजनल करते हैं ना, वही हिमालय करते हैं जो हमारे यहाँ पे है. ठीक है ना, चाइना में भी हिमालय गया हुआ है, वहाँ पे इसके अलग अलग डिवीजन करके पढ़ाए जाते हैं, हमारे यहाँ पे अलग अलग डिवीजन करके पढ़ाए जाते हैं. तो युवा क्यों है ये मैंने आपको बताया और लार्जेस्ट क्यों है शिवालिक ये मैंने आपको बताया. ठीक, अब इसको बांटने वाली चीजें करते हैं और इसकी सबसे ऊंची चोटियां मैं आपको बता देता हूं. एक और शानदार डायग्राम कराएंगे हम, उसमें काफी चीजें क्या हो जाएंगी बच्चे आपके, क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, चलो. एक तो आप ध्यान रखेंगे, मैंने ये बताया था आपको कि ये ग्रेट हिमालय है और ये मिडल हिमालय है. ग्रेट हिमालय लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे मिडल हिमालय हो गया बेटा, ये मिडल हिमालय है और यहाँ पे ये हो गया हमारा तीसरी रेंज, यानी ये शिवालिक हिमालय है. बेटा मैंने यहाँ पे बताया था कि MCT पाई जाती है, इनको बांटने का काम करती है. मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को भी बीच में से बांटने का काम कौन कर रही है, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मुख्य सीमा भ्रंश, मुख्य सीमा भ्रंश. तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को बांटने का काम कौन कर रहा है, आपको जानना चाहिए मुख्य सीमा भ्रंश. और ग्रेट हिमालय मिडल हिमालय को बांटने का काम कौन कर रहा है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कर रही है बेटा, ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को. ठीक है, और इसमें भी वैली पाई जाती है बेटा, दून वैली और द्वार वैली पाई जाती है. यहां पे भी कौन सी वैली पाई जाती है, दून वैली, दून वैली और दूसरी द्वार वैली, द्वार वैली. द्वार बेटा हरिद्वार वगैरह होते हैं ना, उसको मैं कह रहा हूं द्वार वैली, हरिद्वार वगैरह. अब इसकी बेटा चोटी कर लेते हैं, कौन कौन सी इसकी चोटी रहेगी.
पिक ऑफ शिवालिक कौन सी रहेगी, पिक ऑफ शिवालिक, शिवालिक की चोटियां बेटा, शिवालिक की चोटियां। तो बेटा लार्जेस्ट बताया है तो काफी दूर तक फैला हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है ये फैला हुआ है। पोटवार बेसिन, पोटवार बेसिन से लेकर, पोटवार बेसिन कहां पे है बेटा, पाकिस्तान में है। पोटवार बेसिन, पोटवार बेसिन से आएगा थोड़ा सा पंजाब, पंजाब के बाद इधर हिमाचल प्रदेश में आएगा बेटा, ठीक, हिमाचल प्रदेश में आएगा, हिमाचल प्रदेश के बाद बेटा ये नेपाल में चला जाएगा, नेपाल में जाएगा। बच्चे जब ये नेपाल में जाता है ना तो नेपाल में इसका नाम अलग हो जाता है, नेपाल में इसको चुड़िया मुड़िया की पहाड़ी बोल देते हैं। जब शिवालिक नेपाल में जाता है तो इसका नाम चेंज हो जाता है चुड़िया मुड़िया हिल, चुड़िया मुड़िया की पहाड़ी, चुड़िया मुड़िया की पहाड़ी हो जाता है नेपाल में। इसका नाम किसका नाम कहा बेटा, शिवालिक का नेपाल में नाम हो गया, ठीक। उसके बाद ये हमारे कहाँ पे जाता है बेटा, अरुणाचल प्रदेश में जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मेरी अबोहर के नाम से जाना जाता है। तो डाफला मिरी अबोहर के नाम से जाना जाता है, कहां पे, डाफला मिरी अबोहर के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, डाफला मिरी अबोहर, डाफला मिरी अबोहर इज द पार्ट ऑफ शिवालिक, है ना। पोटवार बेसिन, पोटवार बेसिन पाकिस्तान से लेके पंजाब में आएगा, हिमाचल में जाएगा, नेपाल में जाएगा, नेपाल में नाम हो जाएगा चुड़िया मुड़िया हिल, और डाफला मिरी अबोहर अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा बेटा। यहाँ पे इसका एक्सटेंशन याद रखेंगे, इसका एक्सटेंशन कहाँ पे हो जाएगा, हरियाणा में भी हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा इसका एक्सटेंशन बेटा, एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार। तो शिवालिक का विस्तार हरियाणा में भी हो जाएगा, और हरियाणा में हो जाएगा तो उसको कहाँ कहाँ पे, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, इन तीन जिलों में हो जाएगा बेटा, इन तीन जिलों में क्या हो जाएगा इसका विस्तार हो जाएगा, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के अंदर। तो ये हो गया शिवालिक, ठीक। एक छोटा सा डायग्राम खत्म करके टॉपिक फिनिश करते हैं अपना। एक्सटेंशन मतलब विस्तार, हरियाणा में भी चला जाएगा, नेपाल में चुड़िया मुड़िया की पहाड़ी कहेंगे शिवालिक को, और डाफला मिरी अबोहर इज द पार्ट ऑफ शिवालिक। देखो बेटा यहां पे ये ग्रेट हिमालय है, ठीक, ये ग्रेट हिमालय है, स्नोफॉल हुआ, ठीक। ग्रेट हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ बेटा, इनका फॉर्मेशन यानी बेटा निर्माण
फर्स्ट कोलाइड ऑफ प्लेट हुआ, फर्स्ट कोलाइड ऑफ टू प्लेट, दो प्लेटों के टकराव से निर्माण हुआ था। बेटा मैंने बताया आपको ऊपर की तरफ कौन सी थी, यूरेशियन प्लेट थी, नीचे कौन थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन, दोनों टकराई कन्वर्जेंट दिशा में। ये बता चुका हूं, ये पहले, इससे पहली क्लास थी उसमें हम सीख चुके हैं सारा का सारा। तो ये फर्स्ट कोलाइड ऑफ टू प्लेट हुआ और ग्रेट हिमालय बन गया बेटा, देन फॉर्म्ड द ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। उसके बाद बेटा सेकंड फॉर्मेशन क्या हो गया, दूसरे सेकंड कोलाइड ऑफ प्लेट हुआ, प्लेट दूसरी बार टकराई जब, तो बेटा जब दूसरी बार प्लेटें टकराएंगी तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे हमारा मिडल हिमालय बन गया। ये क्या बन गया, ये मिडल हिमालय बन गया जब दूसरी बार प्लेटें टकराई, मिडल हिमालय। याचिक मिडल हिमालय बन गया तो दूसरी बार जब प्लेटें टकराई, ठीक। अब दूसरी बार प्लेटें टकराई तो मिडल हिमालय बन गया, दिख रहा है, यही लिखा है बेटा, थर्ड कोलाइड ऑफ प्लेट, यहां पे लिखा है मैंने थर्ड कोलाइड ऑफ प्लेट। तीसरी बार जब प्लेट टकराई तो आपका क्या बन गया, तो आपका ये शिवालिक बिल्कुल छोटा छोटा था, यहां पे शिवालिक क्या था, बिल्कुल हाइट ही नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल छोटा छोटा ऐसे करके। तीसरी बार हल्की सी टकराई प्लेट और तीसरी बार हल्का सा बिल्कुल बड़ा ही नहीं था, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया, ठीक है, ये बन गया शिवालिक हिमालय, शिवालिक ये क्या बन गया बेटा, शिवालिक हिमालय बन गया। अब देखो मैं अभी अभी बता रहा था आपको, बिल्कुल अभी अभी जस्ट मैंने बताया था कि जब शिवालिक बना था ना बच्चे, तो जब शिवालिक बना था तो शिवालिक बना था डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट से, यानी नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से बना था शिवालिक। और यहां पे मैं लिख रहा हूं थर्ड प्लेट ऑफ कोलाइड, मतलब प्लेट के तीसरी बार टकराने से। तो बेटा प्लेट के तीसरी बार टकराने से हल्का सा अपलैंड हुआ था, बिल्कुल हल्का सा अपलैंड, और ऊपर से जब सेडिमेंट आए ना ग्रेट हिमालय से, तो वो सारे के सारे सेडिमेंट इस हल्के से प्लैंड जो ऊपर से थोड़ा सा उठा हुआ था, थोड़ा सा उठा हुआ था, जब ऊपर से अवसाद आए, कंकर पत्थर गारा गाद बालू चिकनाई, और शिवालिक का थोड़ा सा ऊपर भाग था ये उठा हुआ, यहां पे जमा होने शुरू हो गए क्योंकि भर भर के पानी आया ग्रेट हिमालय से मिडल हिमालय से, तो यहां पे सेडिमेंट जमा होना शुरू हो गए वो, क्योंकि यहां पे पहले ही हाईलैंड था, पहले ही हाईलैंड था, तो वो सारे के सारे सेडिमेंट यहां पे जमा होना शुरू हो गए। और एक लंबे अंतराल के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद यहां पे भी क्या बन गया बेटा, यहां पे भी बन गया आपका शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय कैसे कैसे बना, तो शिवालिक हिमालय में कोलाइड ऑफ प्लेट तो है बेटा, प्लेटों के टकराने से तो बना, साथ में सेडिमेंट डिपोजिशन से बना, सेडिमेंट डिपोजिशन से। तो सेडिमेंट डिपोजिशन भी है और थर्ड प्लेट कोलाइड भी हुआ, दोनों से ही क्या हुआ बेटा, दोनों से ही यहां पे क्या बना था हमारा शिवालिक बना था। जल्दी से एक मिनट और लगेगी और एक मिनट के बाद ये टॉपिक बेटा हम फिनिश करते हैं। यहां पे देखिए मेरे बच्चे, स्नोफॉल हुआ, स्नोफॉल हुआ तो सोलर रेडिएशन से क्या होगा,
ये हमारा सूर्य है, सन है, ये गर्मी फेंकेगा तो ऊपर से भर भर के क्या आएगा बेटा, पानी आएगा। जब पानी आएगा तो ये आते ही किससे टकराएगा, ये आते ही टकराएगा मिडल हिमालय से। तो मिडल हिमालय क्या बन गया बेटा, मिडल हिमालय बैरियर का काम कर रहा है ग्रेट हिमालय की नदियों के लिए। समझ पा रहे हो ना बेटा, मिडल हिमालय वर्क करेगा ग्रेट हिमालय की नदियों को रोकने का। मिडल हिमालय क्या वर्क कर रहा है, बैरियर का काम कर रहा है। मैं लिख दे रहा हूं ये बात, मिडल हिमालय वर्क फ्रॉम मिडल हिमालय वर्क फ्रॉम ग्रेट वर्क फ्रॉम बैरियर ग्रेट हिमालयन रिवर। मिडल हिमालय क्या करेगा, काम करेगा बैरियर का काम करेगा, रुकावट का काम करेगा ग्रेट हिमालय की नदियों के लिए। देखो ऊपर से आ रहे हैं, ये मिडल हिमालय से टकराई, सारा का सारा सेडिमेंट और पानी जो इसमें था बेटा, अब यहां से तो रास्ता नहीं है क्योंकि इसने बैरियर का काम कर दिया मिडल हिमालय ने। तो ये सारा का सारा पानी कहां पे बहना शुरू हो जाएगा बेटा, ये बहना शुरू हो जाएगा ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय के बीच में, यहां पे बहना शुरू हो जाएगा ये पानी। ऊपर से आया इसने, मिडल हिमालय ने बैरियर का काम किया, दोनों तरफ फैलना शुरू हो जाएगा। अब दोनों तरफ फैलेगा तो बेटा यहां पे यह मैदान क्या बन जाएगा, करेवा सोयल वाला बन जाएगा। तो इससे क्या बन जाएगी बेटा, जब ये बैरियर का काम करेगा मिडल हिमालय और ग्रेट हिमालय से निकलने वाली नदियां यहां पे फैल जाएंगी तो करेवा मिट्टी बनेगी बेटा, करेवा मिट्टी, करेवा मिट्टी। और करेवा मिट्टी वही मिट्टी है बेटा जिसमें सैफरन वगैरह होंगे या ड्राई फ्रूट्स होंगे, सारे के सारे लगभग ड्राई फ्रूट्स होंगे, सैफरन होगा, आलमंड होगा, ठीक है ना, सैफरन होगा, आलमंड होगा, सारे के सारे ड्राई फ्रूट करेवा सोयल में हो जाएंगे। और दूसरा बेटा जब ये पानी फैलेगा तो इन पानी फैलने से यहां पे क्या बन जाएंगे, सरोवरी मैदान बन जाएंगे, सरोवरी मैदान बन जाएंगे, सरोवरी मैदान। सरोवरी मैदान को कहेंगे बेटा लोकेस्ट्रन प्लेन कहेंगे बच्चे इसको, हम क्या कहेंगे, लोकेस्ट्रन प्लेन। लोकेस्ट्रन प्लेन बेटा इस भाग में अगर क्या हो जाता है, पानी नहीं आता है तब भी क्रॉप्स हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहां पे सरोवरी मैदान है, ठीक है ना। तो ये जो प्राइमरी पहले रूप से सेडिमेंट आए थे और रिवर आई थी, इसी ने यहां पे करेवा सोयल की ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय के बीच में इसने ही लोकेस्ट्रन प्लेन बना दिए, सरोवरी मैदान बना दिए। और यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, एक अलग टाइप की सोयल है जिसको अलग से पढ़ा दिया जाता है या बता दिया जाता है बेटा। और ये प्राइमरी जो रिवर आई थी ना वो झेलम नदी थी, तो याद रखेंगे झेलम नदी के द्वारा ही क्या बनाई गई थी, करेवा मिट्टी बनाई गई थी। और बेटा जब कोई भी मान लीजिएगा ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, अगर इस माउंटेन को मेरे बच्चे कोई भी नदी काटती है तो गॉर्ज कहलाता है, गॉर्ज, गॉर्ज, गॉर्ज। ये मैंने बताया माउंटेन, ये क्या हो गई, ये रिवर हो गई। जब कोई भी रिवर माउंटेन को काटती है तो गॉर्ज कहलाती है, जिस प्रकार लद्दाख पर्वत श्रेणी को काट के हमारी सिंधु नदी आगे बढ़ती है, दुंगाती गॉर्ज बनाती है। तो बेटा आज ये हो गए हिमालय के आज पार्ट। और टीचिंग के लिए मैंने बार बार कहा कि जो ये चीजें हैं ये स्पेशलिस्ट चीजें बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं टीचिंग एग्जाम के लिए बच्चे हमारे। और शुरू हो चुका है हमारा सिलेबस भी केवीएस के लिए रहा, दूसरे एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए हमारा ये बेनिफिशियल रहेगा, स्पेशली फॉर केवीएस वगैरह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, या टीचिंग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। चलिए ओके, आज के लिए इतना ही, गुड लक सभी को, पढ़ते रहिएगा।